नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। अपने राजयोग अभ्यास के सत्रों में राजयोग का अनुभव किया है और ये भी समझा है कि राजयोग से हमें क्या प्राप्तियाँ होती हैं। तो आज हम राजयोग से प्राप्त होने वाली आंतरिक शक्तियों की या आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। से तो अनेक प्राप्तियाँ होती हैं। हम कहते हैं कि आज सारा विश्व ही किन्हीं शक्तियों से ही संचालित है। इस भौतिक जगत के लिए भौतिक शक्तियाँ हैं, हम उन्हें मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से नाम दे सकते हैं। अगर हम मनुष्य के जीवन में देखें तो दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, बाह्य शक्तियाँ और आंतरिक शक्तियाँ। बाह्य शक्तियाँ इसकी शारीरिक शक्ति है, धन की शक्ति है, पद की शक्ति है, और आंतरिक शक्ति मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक और चारित्रिक शक्ति से हम आंतरिक शक्ति कहेंगे। तो हम देखते हैं कि लोग उच्च मानसिक शक्ति यानी दृढ़ इच्छा शक्ति या जिसे हम मनोबल कहते हैं, उसके आधार पर बहुत असाधारण प्रदर्शन करते हैं या असाधारण कार्य कर पाते हैं। एक सामान्य मनोबल वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे ही उच्च बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी वो अपने क्षेत्र में विशेष पहचान बनाते हैं। हम देखते हैं कुछ लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है। तो जो काम एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वो कार्य वो कर पाते हैं और इसीलिए उनका नाम विशेष सूची में है। ऐसे ही नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता भी मनुष्य के जीवन को उच्च बनाती है और बहुत महान पुरुष हुए हैं संसार ने जिन्होंने इस आधार पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो राजयोग अभ्यास से भी हमें जो आंतरिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उससे हम आने वाली चुनौतियों का, संघर्षों का, क्योंकि जीवन में आज ये उतार चढ़ाव सामान्य सी बात है, तो उनका सहज सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और संतोषपूर्ण बना सकते हैं, सफल हो सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि राजयोग का अभ्यास करेंगे तो क्या हमें कोई विशेष सिद्धियाँ मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ संन्यास में या संतों के जीवन में हम इस प्रकार की सिद्धियाँ कई बार सुनते हैं, देखते हैं कि वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाती है, या वो भभूत निकालते हैं या किसी को देते हैं, आपका कष्ट दूर हो जाएगा या आपका रोग दूर हो जाएगा। तो कई बार
सचमुच व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, उसके पीछे उनकी गहरी आस्था होती है, वो विश्वास कार्य करता है, ना कि भभूत से कोई रोग ठीक होता है। लेकिन ये जो चमत्कार वो दिखाते हैं उनसे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता या उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे, आपके आश्रम के पास ही जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में जमीन से ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपको कितने वर्ष लगे इस सिद्धि को प्राप्त करने में? तो उन्होंने कहा, पूरे 12 वर्ष का समय लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय। थोड़े समय के बाद नदी पार गांव से उनका दूध वाला आया। उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा ऐसे होता था। तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही पूछा उन दूध वाले से, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा, 1 पैसे में। तो स्वामी राम तीर्थ ने उन सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए। आपने सन्यास क्यों किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने सन्यास किया है। यही आपने साधना की होती तो आज आप ईश्वर के समीप पहुँचे होते। तो कहने का भाव ये है कि जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन जीवन चमत्कारिक बन जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, संस्कार परिवर्तन हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि है जो हमें राजयोग से प्राप्त होने वाली शक्तियों से मिलती है। जीवन में जो भी कमियां हैं वो अंधकार के समान है। जैसे कहते हैं, अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का भाव है। यदि प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही यदि हम जीवन में गुणों और शक्तियों का विकास करते हैं तो हमारी कमियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आज हम देखते हैं घर घर में दुख और अशांति होती है। तो घर घर में स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, ये हम सब जानते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, घर घर में रामायण और महाभारत चलती हैं, क्योंकि हमारे ये जो 2 शास्त्र हैं मनुष्य की 2 कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम रामायण की कहानी जानते हैं। जैसे ही राम को राज तिलक की घोषणा हुई तो केकई की दासी मंथरा को ईर्ष्या हुई कि कौशल्या का बेटा राम क्यों राजा बने, रानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए। और उसने सोचा कि राजा दशरथ के युद्ध के समय प्राण रक्षा रानी केकई ने की, तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे 2 वर दिए थे, ये सही समय है, उसे अपने वर ले लेने चाहिए। और उसमें राम को वनवास हो, भरत को राज तिलक हो। और यही बात उसने केकई को समझाई। केकई को जब समझ में आया तो उसने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे। क्या हुआ, राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कथा बनी, ऐसे ही कहेंगे। महाभारत की कहानी भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं रहा। द्वेष किस बात का था? संपत्ति का था। दोनों ही राज्य एक दूसरे को नहीं देना चाहते थे। फिर उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के 2 शब्दों ने। क्या शब्द कहे उसने,
अंधे का बेटा अंधा दुर्योधन को इतना अपमान महसूस हुआ, कहानी हम जानते हैं, मैं विस्तार भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जैसे ही उसने सुना उसने ठान लिया कि मुझे इसका बदला लेना है, और उसने धोखे से पांडवों को जुआ खेलने के लिए राजी किया, और न सिर्फ जुआ खेलने के लिए मजबूर किया लेकिन वही धोखे से उनको जुए में हराया, अपने अपमान का बदला लिया और पांडवों को वनवास हुआ 13 वर्ष का। और जब पांडव लौट कर आए तो कहा, राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में पूरे कुल का विनाश हो गया। यही कहानी है। अब आज हम ऐसे एक शब्द तो क्या कितने ही शब्द बोलते हैं जिससे किसी का अपमान होता है, और भाई भाई में द्वेष है। तो ये वही समय है। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है जिसके कारण आज घर घर में दुख अशांति है, और उन शक्तियों का हम विकास करेंगे तो यही संसार स्वर्ग बन सकता है, घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो 8 शक्तियाँ विशेष प्राप्त होती हैं, इसमें सहन शक्ति। सहन शक्ति हम कहेंगे कि आज हम किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने एक कहा तो हम 2 कहेंगे, 2 का 4 कहेंगे, 4 का 8 कहेंगे, यानी जैसे को तैसा मिलना चाहिए। भाव ये होता है, हम क्यों सहन करें, और अगर मैंने सहन कर लिया तो मेरी ही गलती मानी जाएगी, और अगर मैंने गलती नहीं की है तो हम सहन नहीं करेंगे, और हमने सहन कर लिया तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा या लोग हमारा नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। तो हम सहन शक्ति को कमज़ोरी मानते हैं, और इसीलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। परिणाम क्या होता है, छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती हैं। कई बार राई जैसी बात पहाड़ बन जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं समाचार पत्रों में आए दिन छपती हैं। ऐसे ही एक घटना है कि एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक था, और इसी बात को लेकर के उनके बीच में झगड़ा होता था। एक दिन पत्नी देर से घर आई, पहले ही उसको शक था तो इस बात को लेकर के फिर घर में झगड़ा होने लगा, और इतना गुस्सा आया कि उसने रसोई में चाकू पड़ा था। गुस्से में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो कईयों का गुस्सा इतना चरम तक पहुंच जाता है, तो वो चाकू उठा करके उसने उसको मार दिया। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, परिणाम क्या होगा। तो उसने खुद के लिए फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। उनके 2 छोटे बच्चे थे। अब वो बात जो सच है या नहीं, जिसका उसे पूरा पता भी नहीं है, उस बात को लेकर के एक परिवार तबाह हो गया। सही कहेंगे तो बात, छोटी सी बात सहन नहीं कर सकते तो कई बार कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जब हम सहन नहीं कर सकते तो गुस्सा आता है, और मनोविज्ञान कहता है गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गुस्से में भी मनुष्य की यही स्थिति होती है, वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला शायद भूल जाता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता है, और उसके कारण सबसे पहले संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है। और अगर वही गुस्से का स्वभाव चलता रहता है तो संबंध टूट भी जाते हैं, परिवार भी टूट जाते हैं। हम सब जानते हैं कि आज ये सब
बातें बहुत सामान्य सी हैं घर परिवारों में। तो हमें गुस्सा क्यों आता है? इसने मेरी बात नहीं मानी, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया, तो हम गुस्सा करते हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम जैसा सोचते हैं दूसरा भी वैसा ही सोचता है, उसकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है। तो हम उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, या कई बार हम परिस्थिति को उनके स्थान पर रख कर के देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वहाँ होते तो हम कैसा व्यवहार करते। फिर जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं इन्हें मेरी बात माननी चाहिए, चाहे वो परिवार के सदस्य हैं चाहे कार्य क्षेत्र में हैं, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। उन्हें भी पता है कि उन्हें हमारी बात माननी चाहिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो। लेकिन कोई एक बार ऐसा होता है जब उन्हें लगता है नहीं ये गलत है और हमारी बात सही है, तो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है हम कभी गलत हों, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हम सही होंगे, दूसरा भी सही हो सकता है, तो हम उनकी बात भी सुने। तो जब ये समझ होती है संबंधों में तो क्रोध की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अहम भाव होता है तो हम अपनी ही बात को मानने पर जोर देते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते। ऐसे ही काम करवाने के लिए गुस्सा करते हैं, सोचते हैं कि बार बार गलती करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते या काम ही नहीं होता, तो गुस्से से काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आपने गुस्सा किया तो सामने वाले में भय होता है, उसको भी अपने भविष्य परिणाम की चिंता होती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उनके हाथ में पावर्स होती हैं तो वो चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन गुस्से के बाद वो जैसा काम करेंगे वो दिल से नहीं करेंगे, तो आप जैसे परिणाम चाहते हैं वैसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। एक दूसरी बात, उनके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना आ जाती है और वो अवसर ढूंढते हैं, तो जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो आपके लिए समस्या ज़रूर पैदा करेंगे, तो दूरगामी परिणाम हमेशा ही बुरे होते हैं। फिर कोई हमसे गुस्से से काम कराए तो हमें पसंद आता है, हमें लगता है कि काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा प्यार से भी कह सकते हैं या थोड़ा सम्मान से भी कह सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों को भी पसंद होता है, तो इसीलिए कार्य करवाने में भी अगर हम प्रेम से कार्य कराते तो हो सकता है कई बार थोड़ा सा शुरू में अंतर पड़े, लेकिन बाद में आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और उनका आपके प्रति सम्मान भी बना रहता है। बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हमने देखा बच्चे वो नहीं कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं तो गुस्सा करते हैं सीधा ही, उनको भी समझने की कोशिश नहीं करते और ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं कई बार गुस्से में बच्चों को, जो उनके दिल को छुप जाते हैं कि मेरी माँ ने या मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा। फिर वो भले किताब उठा के बैठते हैं लेकिन शायद पढ़ नहीं रहे होते, ज़्यादा वो सोच रहे होते हैं जो आपने उनको कहा होता है, और यहीं से वो गुस्सा करना भी सीख जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो, तो माता पिता का सामना करने लगते हैं, आपके लिए ही समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन सही तरीका क्या है? अगर हम कोई बात बच्चों को मनवाना चाहते हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें समय दीजिए। अगर आप प्रेम से उनको विश्वास में लेकर के कोई बात समझाते हैं तो वो ज़रूर समझते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे कारण जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की एज है। अगर आप सीधा ही उनको कहते हैं और उनको समझ में नहीं आती तो वो नहीं करते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें समय देना पड़ता है, अपने ऊपर
कंट्रोल करना पड़ता है, शायद एक बार में उन्हें समझ में ना आए, आपको बार बार दो बार तीन बार समझाना पड़े, और उतना धैर्य हम रख नहीं पाते हैं और गुस्सा करके अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे ही किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे गाली दी, हमें सहन नहीं होता है, लेकिन उस दिन भी हमने बात की थी, अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो किसी का भी दुर्व्यवहार मुझे दुख नहीं दे सकता। अपने यहाँ मातेश्वरी जी, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिन्हें जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, एक बार एक बहन उनके पास आई, कहने लगी, क्योंकि पूरा ग्रुप था, जैसे यहाँ आप देखते हैं कैंपस में 200-300 लोग रहते हैं पूरी व्यवस्थाएं चलाने के लिए, ऐसे उस समय भी 200-300 लोग रहते थे और सबके संस्कार तो एक जैसे नहीं होते हैं, आदतों में ज़रूर अंतर होता है, भले ही आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हर एक का अपना अपना स्तर है। तो एक बहन ने उसको कुछ बात में कहा होगा, कुछ गाली दी होगी, तो वो निमित्त थे, तो उनके पास आकर उसने शिकायत की कि उनको ममा कहते थे, ममा इसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसका भाव ये था कि ममा बुला करके उसको कहे ये बात, उसके ध्यान पर दे। तो ममा ने उसको पूछा, अच्छा उसने ये कहा, तुम्हें कहाँ लगी? तो वो सोचने लगी, उसने कहा मन में लगी ना ममा। तो ममा ने कहा, अच्छा मन में गई कहाँ से? तो उसने कहा कान से गई। तो उन्होंने समझाया उसको कि देखो, अगर कोई तूफान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ताकि तूफान का नुकसान हमारे घर में ना हो। तो जब वो ऐसा बोल रही थी तो कहने का भाव था कि तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए, यानी उन पर ध्यान ही क्यों दिया। तो अगर हम ऐसे व्यवहार पर ध्यान नहीं देते तो फिर हमें दुख नहीं होता, यानी पलट कर उतना ही गुस्सा हम नहीं करते हैं। फिर भी यदि हमें गुस्सा आता है तो हम एक तरीका अपना सकते हैं, हम उसे पोस्टपोन कर दें, तुरंत ना कहें, यानी हम 10 मिनट के बाद, हम सोचें एक घंटे के बाद, एक घंटा हमें लंबा लगता है तो 10 मिनट ही सही, हम अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं। और जब वो 10 मिनट होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो काम करता रहता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि सारी गलती उसकी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो परमानेंट ही पोस्टपोन्ड हो जाता है। और अगर लगता भी है कि उनकी गलती है, कहना ही चाहिए, तब तक आवेश कम हो जाता है और अब हम जो बात कहते हैं वो शांति से कहते हैं, या अच्छे शब्दों में कहते हैं तो सामने वाला उसे स्वीकार करता है। अगर आपने गुस्से में कहा तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, उसकी गलती होगी ना तो भी नहीं मानेगा, और ही सिद्ध करेंगे और हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ऐसे ही एक बार पति पत्नी दोनों गुस्से वाले थे, एक गुस्से वाला हो एक शांत स्वभाव का है तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे तो घर में रोज़ कलह होती थी, वातावरण बहुत अशांत रहता था, पति तो काम पर चले जाते थे ना, पत्नी ज़्यादा दुखी रहती थी। तो एक बार उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन मैंने आज अपने घर में कथा रखी है, जैसे लोग घर में कथा रखते हैं या कीर्तन रखते हैं, तो उसने कहा मैंने कथा रखी है तो आप आना। उसने निमंत्रण स्वीकार किया और वो कथा सुनने गई। तो एक पंडित जी थे, वो कथा करने आए थे घर में, और उस दिन वो बहुत ही दुखी थी, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं इन पंडित जी से बात करूं। तो उसने कथा समाप्त होने के बाद वो पंडित जी से बात की, कहा हमारे घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, आप कोई उपाय बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ अवश्य बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप शर्त मानोगी, वादा करोगी कि मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे, तो फिर मैं आपको उपाय बताऊँगा। तो उसने मान लिया कि आप जो कहेंगे मैं करूँगी।
उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई, उसे दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं इसमें से कुछ घूंट पानी आप अपने मुंह में रखना, ये पानी पीना नहीं है मुंह में रखना है, और वो जब तक बोलते हैं तब तक मुंह में रखना है। तो वो समझ गई, हाँ, लेकिन अब वादा ही उन्होंने पहले करवा लिया था तो उसने चुपचाप पानी लिया और घर चली गई। और जब पति ने गुस्सा किया, क्योंकि रोज़ की बात थी, पति ने गुस्सा किया तो आज उसने पानी मुंह में रख लिया वादे के अनुसार। अब वो बोलना चाहती थी तो भी बोल नहीं सकती थी क्योंकि मुंह में पानी था। और पति ने देखा क्या बात है, आज ये इतना शांत है, रोज़ तो बराबर सामना करती है, तो उनको आश्चर्य हुआ इस बात पर। और उन्होंने थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से बोला कि आदत थी उनको भी सुनने की, ये कुछ जवाब देगी, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब अगले दिन भी कोई ऐसी बात हुई, गुस्सा किया उन्होंने, तो देखा आज भी वो चुप है क्योंकि उसने पानी मुंह में रखा था। ऐसे ही तीसरी बार भी, चौथी बार भी, तो अब उनको विश्वास होने लगा कि इसने बदल लिया है अपने आप को, ये सचमुच नहीं बोलती है। फिर उनका ध्यान अपने ऊपर गया, हाँ, कि अगर इसने बदल लिया है तो मैं शायद छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मुझे भी ध्यान देना चाहिए। और जब अपने पर ध्यान दिया तो उनमें भी परिवर्तन आने लगा, और कुछ दिनों के बाद उनके घर में शांति हो गई। अब ये बहन इतनी खुश हुई, कहा सचमुच पंडित जी की तरकीब ने काम किया है और मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो वो गई उनके पास, कहा पंडित जी मैं नहीं जानती मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, सचमुच आपने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा ये पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, ये सीधा पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा कर रहे हैं उस समय आप थोड़ा शांत रह जाओ, देखो आप शांत रहे तो कितने अच्छे परिणाम मिले आपको। तो अगर आप चाहती हो कि सदा ही आपके घर में शांति रहे तो आप ये उपाय अपनाओ। तो कई भाई बहने कहते हैं बहन जी ये कहानी तक ठीक है, सचमुच हमारे जीवन में ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो और हम शांत रह जाएं। शांत रह सकते नहीं रह सकते, क्या कहेंगे? जो समझते हैं हम रह सकते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा सभी नहीं उठा रहे हैं, 50% उठा रहे हैं, लेकिन जो भी हाथ उठा रहे हैं वो याद रखिए कि हमने ज्ञान सरोवर में हाथ उठाया था कि कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो भी हम शांत रहेंगे, हम रह सकते हैं। ये हमारी शक्ति है कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्स दें, हमारी चॉइस है। हाँ, उस दिन भी हमने बात की थी कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका या हर एक की अपनी जो इच्छा शक्ति है वो अलग होती है। तो राजयोग के द्वारा वो शक्ति हमारे अंदर विकसित होती है कि कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने है, वो कैसा भी व्यवहार कर रहा है, तो भी जैसा मुझे व्यवहार करना चाहिए हम वैसा ही करते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, पेड़ फलों से लगता है तो पत्थर ही खाता है, है ना? पत्थर खाता है नहीं खाता, बच्चे क्या करते हैं, फल देखते ही पत्थर लाठी मारते हैं, और परिणाम या बदले में क्या मिलता है, मीठा फल मिलता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सह करके मीठा फल दे सकती है। तो मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शक्तियाँ और गुण चाहिए, तभी हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। हम इतिहास में देखते हैं ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी उनके शब्द थे क्षमा करना, हाँ, उस समय भी उनके मन में रहम भाव था, करुणा भाव था, और यही कारण है कि आज संसार के जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की पूजा होती है। हाँ, नहीं तो एक आम इंसान क्या कहेगा,
भगवान इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया तो इनका भी सत्यानाश कर देना, ऐसे ही बोलते हैं ना, बदला लेना होता है तो भगवान के आगे भी ऐसे ही बोलते हैं, इनका क्या कर देना। तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन फिर भी क्षमा भाव रखा। ऐसे ही महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं, तो उनमें ऐसे गुण थे जिसके कारण वो महात्मा कहलाए। ऐसे अनेक प्रसंग हैं महात्मा गांधी के जीवन के, हम बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर एक ऐसे ही सन्यासी थे और वो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो एक बिच्छू कहीं से आया, जैसे जो ज़मीन होती है गीली ज़मीन उसमें बिच्छू निकल जाते हैं कई बार, और उसने डंक मारा उनको तो बहुत तेज़ दर्द हुआ उनको, और जैसे हाथ जाता है कहीं कुछ ऐसे लगता है तो उनका हाथ गया तो हाथ में वो बिच्छू आ गया, उठा के फेंका उन्होंने उसको पानी में, नदी के किनारे बैठे थे वो। फिर बिच्छू चल करके आ गया और फिर थोड़े समय के बाद फिर डंक मारा उन्होंने, फिर उसको हटा दिया। ऐसे 3-4 बार हुआ तो साथ में ही उनका शिष्य भी बैठा था और उसने ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, आप मार क्यों नहीं देते इसको, कि क्यों इस पर रहम कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं वो बार बार डंक मारता है। तो उसने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये नहीं छोड़ रहा है तो मेरा स्वभाव है क्षमा करना, अगर ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो ये भाव जब हमारा होता है मानव के प्रति, तब हम देखते हैं कि जीवन में हम स्वयं ही सुखी नहीं रहते लेकिन औरों के जीवन के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं, उनके जीवन में भी हम परिवर्तन ला पाते हैं। ऐसे आप किसी को शिक्षा देंगे तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे अंदर ये शक्ति होती है तो फिर बिना कहे वो समझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं हम सहन कर रहे हैं तो सामने वाला हमारा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन उसे समझ में आती है ये बात, वो कई बार स्वीकार भी नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर हमारे से प्रेरणा मिलती है और परिवर्तन आता है। हमें वहाँ थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। तो सहन शक्ति के साथ धैर्य की शक्ति, प्रेम, जितना हमारा प्रेम होता है एक दो के प्रति उतना सहन करना आसान होता है। जैसे माँ बच्चे की हर कमी को सहन कर लेती है, गलती को सहन कर लेती है, क्योंकि उतना प्रेम है। या किसी भी मनुष्य से हमें बहुत प्रेम होगा, उसकी कमी हमें दिखाई ही नहीं देती है, उसके गुण ही दिखाई देते हैं, उसकी विशेषताएं ही हमें दिखाई देती हैं। तो राजयोग से हमारे अंदर इन गुणों का और सहन शक्ति का विकास होता है, शांति की शक्ति आ जाती है और हम सहन कर पाते हैं। से दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख से हम गुजरते हैं। जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी ग्लानी भी होती है, कभी हमारी जीत होती है, कभी हमारी हार भी होती है। तो एक राजयोगी या योगी व्यक्ति जीत में या प्रशंसा में बहुत अहंकार में आ जाए, या बहुत दुख में, हानि में, असफलता में बहुत निराश हो जाए, ये जिसको हम कहते हैं असंतुलित हो जाना, मन असंतुलित परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं, क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं, समझ होती है, हम किसी भी परिस्थिति के तीनों कालों को देख पाते हैं। आप देखते हैं यहाँ चित्र में दिखाया है, सागर में कितनी भी नदियाँ आती हैं, समा जाती हैं, कैसा भी जल लाती हैं, क्योंकि जब नदी सागर तक पहुँचती है सबसे गंदा जल, सबसे प्रदूषित जल उसके अंदर होता है, क्योंकि वो यूज़ हो चुकी होती है।
जो गंदगी पड़ती है उसमें जो हल्की वस्तु होती है वो लहरें उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और जो भारी वस्तु होती है वो सागर के तले में चली जाती है। सागर की सतह पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो सतह स्वच्छ रहती है। तो ये मिसाल है कि हमारे मन की स्थिति, इस संसार में हम रहते हैं, कई ऐसी बातें जो हमारे लायक नहीं है, जैसे कहा गंदगी लाई, तो हम उसे ग्रहण नहीं करते। लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है, वो हम अपने जीवन में अपनाते हैं या समाते हैं। जैसे कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए ठोथा दे उड़ाए। यानी एक साधु या सज्जन व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप। वो उपयोगी अनाज को रख लेता है और कचरे को फेंक देता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि संसार की जो भी अच्छी बुरी बातें हम देखते हैं उसमें से जो हमारे ग्रहण करने लायक हैं वही हम ग्रहण करें। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है कि मानो कोई हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनको कोई समस्या है और हमसे वो मदद चाहते हैं और अपनी बात कहते हैं, और फिर सब कुछ कहने के बाद, हाँ ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को नहीं कहना, हम सुनते हैं और उनको विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन हमारा कोई अपना होता है, उसे हम कहते हैं और फिर वही बात कहते हैं, आप किसी को मत कहना। हाँ फिर उनका भी कोई खास होता है जिसको वो कहते हैं और फिर वही कहते हैं, आप किसी को नहीं कहना। आप इसमें क्या होता है, बात फैलती तो है लेकिन हर एक व्यक्ति उसमें अपना भाव भी जोड़ता है, वो बात वैसी ही नहीं फैलती वास्तव में जैसी होती है, और घूम फिर कर जब तक उस व्यक्ति तक पहुँचती है वापस अर्थ के अनर्थ हो चुके होते हैं। एक कहानी हम सुनाएंगे आपको कि एक बार एक ब्राह्मण, वो किसी दूसरे गांव में उनको कथा करने जाना था, तो गांव थोड़ा दूर था, तो उन्होंने भोजन लिया, रास्ते में भोजन कर लेंगे, तो कोई स्थान देख करके वो भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो कोई पक्षी बैठा था पेड़ के ऊपर, और जैसे ही उसने भोजन के भोजन प्लेट में लिया, वो पक्षी ने बीट किया तो वो उनके खाने पर पड़ गई। अब वो तो ब्राह्मण थे वैसे भी, तो उन्होंने वो भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं किया, फिर उनका मन भी खराब हो गया, तो फिर वो कथा करने नहीं गए, वापस घर आ गए। तो पत्नी ने पूछा उनको कि आप तो कथा करने गए थे, इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? तो वो बताना नहीं चाहते थे उसको, क्योंकि उनको अपने पत्नी के स्वभाव का पता था कि अगर मैंने इसको कह दिया तो ये बात फैल जाएगी। लेकिन उसने बहुत जोर लगाया तो आखिर उन्होंने बता दिया, लेकिन उससे वादा करवाया कि वो ये बात किसी को नहीं कही कि जब मैं भोजन कर रहा था तो एक पक्षी की बीट खाने पर गिर गई। अब वो पत्नी के पेट में तो बात पचती नहीं थी। दूसरे दिन वो कुएं पे पानी भरने गई तो वहाँ उसकी सहेली को उसने बातों बातों में सुना दिया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पति ने मना किया है और कहा कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, ऐसे ही सुनाया उसने, लगभग ज़्यादा नहीं बदला। लेकिन जो दूसरी थी उसने आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी, ऐसे होता है ना कई बार लोग आधा आधा सुनते हैं। तो उसने क्या सुना, हाँ कि उसके पति के खाने में पक्षी गिर गया, बीट की बजाय पक्षी गिर गया। फिर उसने किसी और को सुनाया तो उसने सुनाया कि उसने समझा कि उसके पति के मुंह से पक्षी निकला। अब बात बदलती गई और किसी के पास पहुंची तो उसे समझ में आया कि उसका पति मुंह से पक्षी निकालता है। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई, तो घूमते घूमते गांव की पंचायत तक बात पहुंची कि अरे पंडित जी के मुंह से तो पक्षी निकलते हैं। कहा चमत्कार है ये तो, इसका प्रदर्शन होना चाहिए पूरे गांव के सामने।
उन्हें बुलाया गया, पंडित जी को कुछ नहीं मालूम। अब वहाँ जाकर के जब उन्होंने सुना कि मुझे किस लिए बुलाया गया है पंचायत में, तो बड़ा आश्चर्य, ऐसा कैसे, मतलब मेरे बारे में ऐसा कैसे फैल गया। तो बुद्धिमान तो थे, दिमाग चलाया उन्होंने कि ये बात कैसे फैली, तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई कि पक्षी की बात मैंने अपनी पत्नी को बताई थी और ये पक्षी का ये रूप हो गया है। तो फिर उन्होंने सोच भी लिया कि जब मुझे कहा जाएगा तो मुझे क्या जवाब देना है। तो जब उन्हें सभा में कहा गया कि आपके मुंह से आप पक्षी निकालते हैं, ये चमत्कार दिखाते हैं, तो सभी के सामने ये चमत्कार दिखाइए, तो उसने कहा कि ज़रूर मैं पंचायत के सामने ये चमत्कार दिखा सकता हूँ, लेकिन वो चमत्कार का परिणाम ये होगा कि जो भी उसे देखेगा वो पक्षी बन जाएगा। हाँ, तो सबने फटाफट मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं देखना है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। तो कहने का भाव कि जब कोई बात फैलती है तो कई बार उससे बड़े अनर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति से संबंधित होती है उसे भी लगता है कि हमने इस पर इतना विश्वास किया और हमें धोखा मिला, तो संबंध भी टूट जाते हैं उसी की वजह से। और एक कहावत बनी, घर का भेदी लंका ढाए। कहते हैं कि राम की विजय क्यों हुई, उसका कारण था कि विभीषण ने रावण के सारे राज राम को खोल दिए, इसके कारण उनकी रावण पर विजय हुई। हमारा देश भी सालों तक, हजारों सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा, और उसका ये कारण भी यही था कि राजाओं के दरबार में कोई ना कोई भेदिए होते थे जो उनका भेद जाकर के दुश्मन को खोल देते थे, और यही कारण है कि वो दुश्मन विजयी हो गए। तो राजयोग में हमारे अंदर ये समाने की शक्ति आती है, यानी बुद्धि इतनी विशाल होती है कि कौन सी बात कब कहनी है कब नहीं कहनी है तो हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और अगर कहनी भी है, अगर बहुत आवश्यक है उसे कहना है, तो फिर किस भाव से कहनी है, जिस भाव से उसे कहना चाहिए उसी भाव से हम कहते हैं, इतनी गंभीरता, वो शक्ति हमारे अंदर आती है। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ हमारे जीवन में साथ चलती हैं। जीवन में कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें परखना होता है, उचित है अनुचित है, सही है गलत है, या करूँ नहीं करूँ, फिर निर्णय भी लेना होता है, और उस निर्णय के आधार पर ही हमारे जीवन का भविष्य निर्भर होता है, या हम सफल या असफल होते हैं। अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाते कई बार, तो फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है, कई बहुमूल्य अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक जौहरी होता है, उसके अंदर आभूषणों को परखने की शक्ति है या रत्नों को परखने की शक्ति, क्योंकि उसको विशेष ज्ञान है उसके बारे में कि ये खरा सोना है या नकली सोना है, ये असली हीरा है या नकली हीरा है, और इसी आधार पर वो व्यवसाय में सफल होता है, नहीं तो उसे अपने व्यवसाय में घाटा उठाना पड़ेगा। तो जिस भी क्षेत्र में हम हैं, यदि हमारी परखने की शक्ति यानी विशेष ज्ञान जो आवश्यक है उस क्षेत्र के लिए वो हम में है, तो हम परख पाते हैं और फिर सफल भी होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्वच्छ होती है तो हम सूक्ष्म स्तर पर भी परख पाते हैं, यानी व्यक्ति के भाव को भी हम परख पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वच्छ जल है तो तले तक भी जो चीज़ होती है वो हमें दिखाई देती है, अगर जल गंदा है तो हमें नहीं दिखाई देती है। तो जब हम व्यक्ति के भाव को परख सकते हैं तो फिर हम उसी अनुसार उनके प्रति निर्णय लेते हैं कि अभी हमें सावधान रहना है या किस तरह से इनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज का समय ऐसा है, व्यक्ति अंदर से कुछ होता है बाहर से कुछ और होता है, जो आपके सामने वो बात कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि भीतर में भी वो वैसे ही हैं।
तो ये भी परखने की शक्ति अगर हमारे अंदर होती है तो फिर उसी अनुसार हम जीवन में सफल होते हैं, यानी अपने व्यवहार में सफल होते हैं। निर्णय शक्ति को यहाँ एक तराजू से दिखाया है। तराजू के तीन भाग हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल होता है जब कांटा सीधा है, डंडा संतुलित है और पलड़े बराबर हैं। तो हमारे भी जीवन में सही निर्णय तभी होते हैं जब कांटा सीधा है, यानी मन एकाग्र है, संतुलित है और मन निष्पक्ष है, बराबर माना। जब हम निष्पक्ष भाव से निर्णय लेते हैं किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति, कई बार मन बहुत उलझन में होता है या मन तनाव में है या मन अशांत है, उस समय यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो शायद हम वो परिस्थिति को स्पष्ट नहीं देख पाते। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता है, एकाग्र होता है, संतुलित भी हो जाता है। उसमें ईश्वरीय प्रेरणाएं भी जुड़ जाती हैं, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति को चमकता हुआ पत्थर कहीं दिखाई दिया, तो उसने वो उठा लिया पत्थर। अब उसे नहीं पता था कि ये हीरा है। उसने सोचा कि ये पत्थर अगर मैं अपने गधे के गले में लटकाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सभी का ध्यान उस पर जाएगा। तो उसने उसमें किसी तरह से एक छेद करके और उसे उसके गधे के गले में लटका दिया। जब वो गांव से गुजर रहा था तो एक जौहरी ने उसे देखा, तो उसने उसको रोका और वो पत्थर को थोड़ा छू के देखा तो वो समझ गया कि ये हीरा है। तो उसने उसको पूछा कि तुम इसे बेचोगे? तो उसने कहा अच्छा, ये बिक भी सकता है ना। उसको लगा ये तो पत्थर है, पत्थर क्या बिकेगा। तो उसने कहा अच्छा, ये बिक भी सकता है। तो उसको 200 रुपये की ज़रूरत थी। तो उसने उसको पूछा अच्छा, तुम 200 रुपये दोगे? तो वो जौहरी ने कहा कि नहीं, 100 रुपये में दे दो। हाँ, जैसे आदत होती है कि भाई अब इतना बोला है तो 100 रुपये में दे दो। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो 200 चाहिए। तो उसने कोशिश की उसे 100 में लेने की, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा जब ये बिक सकता है तो मैं किसी दूसरे को 200 में दे दूंगा, और वो आगे चला गया। तो जौहरी ने भी उस समय छोड़ दिया। और जब वो गधे पे जा रहा था, दूसरे गांव पहुंचा, तो वहां भी जिस गली से गुजर रहा था एक जौहरी ने देखा उसको, तो उसे भी शक हुआ ये पत्थर। तो उसने रोका, देखा, फिर उसने पूछा उसको कि ये पत्थर तुम बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ, 200 रुपये में बेचूंगा। तो उसने बिना कुछ कहे उसको 200 रुपया दे दिया। 200 रुपये कुछ भी नहीं था उसके लिए, वो हीरा तो शायद हजारों लाखों का होगा। तो उसने वो हीरा उससे ले लिया और वो आगे जाने लगा। अब वो जो पहले जौहरी था उसको बहुत पश्चाताप होने लगा, मैंने ये क्या किया, 100 रुपये के पीछे इतना महंगा हीरा छोड़ दिया, उससे तो मुझे बहुत लाभ हो सकता है। तो वो आया, उसका पीछा करते करते आया। तो उसने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको 200 रुपया देता हूँ, तुम वो पत्थर मुझे दे दो। तो उसने कहा लेकिन अब वो पत्थर तो मैंने दूसरे को बेच दिया। तो उसने कहा अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं है वो साधारण पत्थर नहीं था, वो तो बहुमूल्य हीरा था। तो उसने कहा अच्छा, तो मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था वो हीरा है, और तुमको तो पता था वो हीरा है, फिर भी तुमने 100 रुपये के पीछे उसको छोड़ दिया। हाँ, तो ये उस समय वो निर्णय लेने में चूक गया। तो इतना जो बहुमूल्य अवसर उसके हाथ में आया था उससे वो चूक गया। तो इसीलिए समय पर निर्णय लेना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पांचवा है सामना करने की शक्ति। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और हमें उनका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन हम कैसे सामना करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में दिखाया, प्रियजन की मृत्यु होती है, हम सभी इस स्थिति का सामना करते हैं। पर अगर वो असमय मृत्यु होती है तो बहुत दुखदायी होती है, और कई बार लोग दिनों तक, महीनों तक ऐसी मृत्यु के बाद
समानी नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है उस व्यक्ति के जाने के साथ ही उनका जीवन भी समाप्त हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो रोते नहीं हैं। कई ऐसे भाई बहने हमसे बातें करते हैं जब उनके कोई ऐसे जवान बेटे या उनके पति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा, ये जो शरीर है ये विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था वो तब तक हमारे साथ थी। अब वो समाप्त हुआ तो उसका जहाँ पाठ है, अब वो दूसरा जन्म लेकर दूसरे नाम रूप से अपना वो पाठ बजाने गई है। जो चला गया है वो वापस अब आना नहीं है, ये भी सत्य है। तो फिर उनके भविष्य जीवन के लिए हम शुभकामना देते हैं या शांति का दान देते हैं। एक बार एक ऐसे ही भाई थे, उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई, इकलौता बेटा था उनका। दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो उसकी याद में रोते नहीं। महीनों हो गए ऐसे। कई बार ऐसी आत्माएं ना सपने में आकर अपना संदेश देती हैं। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने सपने में देखा कि उनका बेटा फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में कैंडल है, वो कैंडल जल रही है, लेकिन उनके बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारी कैंडल क्यों बुझी हुई है? उसने कहा कि पिताजी मेरे ये दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके आंसू इस पर गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है, प्लीज़ आप रो नहीं। तो उनको समझ में आया कि मेरे रोने से मेरे बेटे का भविष्य प्रभावित हो रहा है। तो उस दिन से फिर उन्होंने रोना बंद किया। कई भाई बहने कहते हैं बहन जी हम रोएंगे नहीं तो लोग समझेंगे हमें इनसे प्यार ही नहीं था। कई बार हम सचमुच रोना नहीं चाहते हाँ, लेकिन हमें दिखाने के लिए रोना पड़ता है। तो दिखाने के लिए रोना चाहिए, क्या कहेंगे? दिखाने के लिए भी हमें रोने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कर्तव्य है अवश्य हम पालन करें उस आत्मा के प्रति। हाँ, लेकिन बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा तक पहुँचता है। और भी कई परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में, बिजनेस में घाटा हो गया या फाइनेंशियल लॉस हो गया हमको, कोई बीमारी हो गई, ऐसी असाध्य बीमारियाँ हैं आज संसार में, कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, दुर्घटना में कोई अंग चला जाता है किसी का, या चोरी हो जाती है, आग लग जाती है। अभी भी हमने सुना जैसे अनेक घटनाएं संसार में होती हैं। तो जो भी होता है हम कर्म की गति को समझ पाते हैं और हमें पता है जो भी परिणाम हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता। तो जो हुआ ठीक है, लेकिन हम उस समय धैर्य रख पाते हैं और भविष्य के लिए भी हम सावधान रहते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि हर घटना के दो पहलू हैं। अगर किसी घटना में हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला भी है। केवल बुरा ही नहीं होता है लेकिन हमारा उसमें लाभ भी होता है। वो शायद कई बार भविष्य के पर्दे में होता है, हम उस समय उसे समझ नहीं पाते। इस पर शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में उसे सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई और उन्होंने अपने मंत्री को दिखाया तो उनको तो सहानुभूति की अपेक्षा थी, लेकिन मंत्री ने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कटी अच्छा कैसे हुआ? ये मंत्री अभी वफादार नहीं है, और गुस्से में आकर उन्होंने उसको जेल में डलवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था और थोड़े दिनों के बाद राजा जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, और शिकार का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाता है। वहाँ कबीले के लोग रहते थे, उस ज़माने में कबीले के लोग कई बार देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। तो उनका उस दिन बलि का दिन था और वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे, तो ये राजा पकड़ा जाता है।
राजा को जब सारी बात समझ में आती है तो फिर वो उन्हें कहता है कि मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो कबीले वाले कहते हैं कि राजा तो सर्वोत्तम होता है, हमारी देवी आपकी बलि पाके बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो उसे मंदिर में ले जाते हैं। तो जब मंदिर में पहुँचते हैं तो बलि के नियम अनुसार पुजारी देखता है कि उसका कोई अंग भंग तो नहीं है, तो देखा राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो बलि संपूर्ण नहीं है। तो उसने कहा कि ये बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज़ हो जाएगी, इसे छोड़ दो, कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। अब राजा छूट जाता है और वो जब जा रहा होता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है। उसने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, सचमुच आज अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो बलि चढ़ जाती, कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो वो जाते ही मंत्री को जेल से बुलाता है अपने पास और सारी घटना सुना के कहता है, मंत्री जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, लेकिन आज मैं जेल में था इसीलिए मैं आपके साथ नहीं था, और अगर मैं आपके साथ होता तो मैं तो संपूर्ण था, आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, तो हम दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी घटना थी, लेकिन दोनों का ही उसमें भविष्य लाभ छुपा हुआ था। तो उस समय वो समझ नहीं पाए उस बात को। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार, जैसे गीता में कहा, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये राज हैं, जीवन के राज हैं जो हमें आध्यात्म समझाता है। फिर एक योगी व्यक्ति ये भी समझता है या महसूस करता है कि ईश्वर मेरे साथ है, और जब सर्वशक्तिवान समर्थ मेरे साथ है तो हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति के साथ हथियार लिए हुए बॉडीगार्ड होते हैं तो उसको पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरी सुरक्षा करने वाले हैं, वो निर्भय होता है चाहे उसको कितना भी खतरा हो। तो हमारा साथी कौन है ये समझ में आते ही हमारा मनोबल बढ़ जाता है, वो शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध कर रहा था, श्री कृष्ण उसके साथ थे, तो एक बार जब अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया और उसे पता चला कि जयद्रथ उसका कारण बना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला लूँगा। और कृष्ण को पता था कि इतना आसान नहीं है, और अगर इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो अर्जुन क्या करेगा। तो उस रात को शिविर में विश्राम कर रहे थे तो कृष्ण अगले दिन के युद्ध की प्लानिंग बना रहे थे। तो उन्होंने देखा ये अर्जुन तो सो रहा है, तो ये सो कैसे सकता है, उनको ख्याल चला इसने प्रतिज्ञा की है। तो उन्होंने उसको उठाया, कहा अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको याद नहीं है तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि भगवान मुझे पता है आप मेरे साथ हैं और आप मेरी चिंता कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको पता था कि मेरा साथी कौन है, वो शक्ति थी उसके अंदर, वो ताकत थी उनकी जिसके कारण वो पूरे युद्ध को इतना सहज तरीके से लड़ पाया। तो भगवान हमारा साथी है ऐसा हम महसूस करते हैं। छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सहयोग करने की शक्ति। एक राजयोगी सबका सहयोगी होता है। हम समझते हैं कि हम सब आत्मा हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, फिर चाहे किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पिता की संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं, ये पूरा विश्व एक परिवार है।
तो हमारी संस्कृति में हम सुनते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम कैसे है वो हम समझ पाते हैं। और इसीलिए हम ये नहीं सोचते कि 6-8 लोगों का परिवार ही मेरा परिवार है, इनके प्रति ही मेरी शुभ भावना है, सहयोग की भावना है, बाकी सब हमारे लिए पराए हैं, नहीं। लेकिन अगर दूसरी आत्माओं को भी हमारे सहयोग की आवश्यकता है और हम कर सकते हैं तो हम अवश्य करते हैं। और ये देखा जाता है कि जहाँ सहयोग की शक्ति होती है वहाँ असंभव या हम कहेंगे बड़े से बड़े कार्य भी सहज सरल हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार देवताओं और असुरों को ब्रह्मा जी ने भोजन पर बुलाया और एक शर्त रखी। उसका कारण ये था कि असुर उनसे शिकायत करते थे कि आप देवताओं का पक्षपात करते हैं, तो वो ये बताना चाहते थे कि देवताओं में विशेष गुण है। तो शर्त रखी कि उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। और जब पहले असुरों को बिठाया गया, उनके हाथ बांध दिए गए, कोनी नहीं मोड़ सकते थे, तो कौर मुंह तक डालना मुश्किल था। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नहीं भोजन कर पाए, हार कर उठ गए। उसके बाद देवताओं को बिठाया गया, उनके भी हाथ बांध दिए गए, वो भी कोनी नहीं मोड़ सकते थे। शर्त तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन देवताओं में वो सहयोग का गुण था, तो उन्होंने सोचा कि हम आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे को खिलाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया, एक दूसरे को खिलाया और भर पेट भोजन किया। तो वो सहयोग के गुण से जो असंभव कार्य था वो सहज संभव हो गया। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, भागवत में एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण ने गोकुल पर जब बाढ़ का संकट था तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसके साथ में गोप गोपियाँ भी थे जिन्होंने अपनी एक एक उंगली लगाई। तो कोई पर्वत उठाने की बात नहीं है, ये वास्तव में यादगार है। यादगार है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर परिवर्तन का कार्य करते हैं, यानी जब सृष्टि पर इतना संकट होता है, विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो वो कोई जादू मंत्र से संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें आत्माओं के परिवर्तन का सहयोग होता है। फिर जो जिस तरह से सहयोग कर सकता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, या हर एक में कोई विशेषता होती है, तो उस सहयोग के आधार पर वो कार्य संभव होता है। नहीं तो हम सोच सकते हैं इतना बड़ा कलयुग, बड़ा संसार, क्या सचमुच बदल कर ये संसार स्वर्णिम संसार हो सकता है, सतयुगी संसार हो सकता है, बेहतर संसार हो सकता है, असंभव लगता है। लेकिन सहयोग की शक्ति से, क्योंकि मनुष्यों से संसार बना है, अगर मनुष्य बदल जाएंगे तो ये संसार बदल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं हम अकेले बदल गए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। कहते हैं हिम्मत ही बच्चे, हिम्मत ही मर्दा, मदद दे खुदा, ये कहावत है। एक बार एक जंगल में आग लगी तो जंगल के जानवर डर कर भागने लगे। एक छोटी चिड़िया थी, वो तालाब पर जाती थी, चोंच में पानी भर के डाल रही थी आग के ऊपर। तो जानवर हंसने लगे कि चिड़िया तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी ये चोंच पर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा मुझे पता है कि चोंच पर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इतिहास में इस आग का जिक्र होगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जब हाथियों ने सुना तो उन्होंने कहा अरे ये इतनी छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत कर सकती है, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो उन्होंने झील से, जो तालाब से पानी भर के आग पर डालना शुरू किया और थोड़े समय में आग बुझ गई। तो किसने बुझाई? देखने में हाथियों ने आग बुझाई, लेकिन प्रेरणा कहाँ से आई? तो एक व्यक्ति भी कोई हिम्मत का कार्य करता है तो अनेक धीरे धीरे उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा महात्मा गांधी को आज़ादी का संकल्प आया, अकेले थे,
अंग्रेजों ने उनका अपमान किया, उसी समय उन्होंने समझा कि मुझे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करना है। धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ा और भारत आज़ाद हुआ। जब परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ईश्वरीय कार्य प्रारंभ किया, तब ब्रह्मा बाबा अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो आज ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है और आने वाले समय में कार्य और आगे बढ़ेगा और जो हम समझते हैं असंभव वो संभव हो जाएगा। तो सहयोग की शक्ति से सब कुछ संभव है। सातवीं और आठवीं शक्ति जो मिलती हैं वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। दोनों शक्तियाँ भी हमारे जीवन में साथ चलती हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कछुआ है, उसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। जब उसको खाना होता है, चलना होता है, वो अपने अंग बाहर निकालता है, अपना कार्य करता है और फिर अपने अंग समेट लेता है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है। हमें संसार में कार्य करना है, अपनी कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, मन बुद्धि को कार्य में एकाग्र करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब कार्य समाप्त होता है तब योगी में वो कला है कि वो मन बुद्धि को अपनी कार्यों से समेट कर आत्मा में स्थित कर ले। आत्मा में स्थित करना माना सार में आना। आत्मा एक ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और आत्मा में स्थित होते ही आत्मिक शांति, आत्मिक सुख और आत्मिक शक्ति का हमें अनुभव होने लगता है। यानी हम परिस्थितियों के प्रभाव से न्यारे हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक योगी संसार से भी न्यारा होकर के परम धाम में अपने मन को स्थित कर सकता है, परमात्मा की याद में मन को स्थिर करता है, उन शक्तियों का भी अनुभव करता है, तो मन की स्थिति ऊंची हो जाती। जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन ऊंचा होता है तो नीचे कितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, उस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे बहुत ऊंचा है, वो बाधाएं उसके लिए कोई बाधा नहीं है। तो जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो सांसारिक परिस्थितियों से मन ऊंचा उठता है, हमें वो परिस्थितियाँ लगती ही नहीं हैं। तो ये कला जब चाहें हम शामिल हो जाएं और जब चाहें हम न्यारे हो जाएं, या साक्षी भाव रख पाना जिसे हम कहेंगे, विस्तार करना हम विस्तार कर लें, समेट लेना है उसको, सार में लाना है तो हम सार में आ जाएं। कई बार किसी परिस्थिति से लोग इतना उलझ जाते हैं कि मन को समेट ही नहीं सकते, उस विस्तार में ही मन उलझ कर रह जाता है, फिर उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। तो क्योंकि वो शक्ति नहीं है हमारे अंदर, पर जब हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो ये शक्ति विकसित होने लगती है। ऐसे ही समेटने की शक्ति, हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन कई बार हम समझते हैं जीवन सदा ही है, हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार से जाना भी है, और इसीलिए विषयों में माया में मन लगा ही रहता है। तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो समझते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, स्वार्थी हैं, जो मेरा है वो तो है ही, जो आपका है वो भी मेरा कैसे हो जाए, ये कोशिश रहती है। दुनिया में आज भ्रष्टाचार है, उसका एक कारण ये भी है। दूसरा, जो मानवीय वृत्ति मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, यानी जो मेरा है उस पर तो मेरा अधिकार है, वो हम आपको नहीं देंगे, आपका हमें नहीं चाहिए। तीसरे होते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, जिसे हम आध्यात्मिक वृत्ति कहेंगे, कि हमने जब जन्म लिया हम कुछ लेकर नहीं आए थे, हम कुछ लेकर साथ में जाने वाले भी नहीं हैं। इसको कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, जो मिला यहीं मिला, यहाँ ही प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसे अनासक्त भाव से प्रयोग करते हैं, तो हमारे
जीवन जीने की जो विधि है वो बिल्कुल भिन्न हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त था दिन और रात उसके साथ रहने वाला, घनिष्ठ मित्र जिसको हम कहेंगे। दूसरा था वो शहर में कहीं और रहता था तो कभी दिनों में उससे मिलता था। तीसरा था जो किसी दूसरे शहर में रहता था और कभी महीनों में उससे मिलता था। तो जो पहला दोस्त था जो दिन रात उसके साथ रहता था, हाँ, उसको पता था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, कि उसको किसी गलत मुकदमे में फंसा दिया गया। हालांकि वो निर्दोष था लेकिन हत्या का आरोप आ गया उसके ऊपर और सारे गवाहों से ये भी सिद्ध हो गया कि उसने हत्या की है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो लोग अपील करते हैं, जैसे हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो उसने अपील की कि जब मैंने हत्या की नहीं है तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है। तो जज ने कहा तुम अपने पक्ष में गवाह लेकर आओ तो फिर हो सकता है तुम्हारी सज़ा बदल जाए। तो उसने सोचा ये मेरा दोस्त तो जानता ही है मुझे, ये मेरी गवाही देगा। तो उसने अपने दोस्त को कहा दोस्त तुम मेरी गवाही दो। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए लेकिन कोर्ट से मुझे बहुत डर लगता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्त ने उसको मना किया और उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो माना नहीं। फिर दूसरे दोस्त को उसने कहा तो उसने कहा दोस्त मैं तुम्हारे साथ अदालत तक आ सकता हूँ लेकिन उस कटघरे में खड़े होकर गवाही देना मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने कहा नहीं गवाही ही देनी है, बहुत कोशिश की लेकिन उस वो भी नहीं माना। अब तीसरे से तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो तो कभी कभी उससे मुलाकात होती थी उसकी। फिर भी उसने सोचा पूछ लेते हैं और जब उसने पूछा तो उसने कहा कि दोस्त मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। तो आत्मा के भी 3 दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त है ये शरीर, जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, घनिष्ठता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब शरीर ही सबसे पहले छूट जाता है। हमारी सारी प्रवृत्ति भी शरीर के लिए चलती है, हम 8 घंटा काम करते हैं, शरीर को वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, कितना हम मेहनत करते हैं। दूसरा दोस्त है हमारे संबंधी, धन संपत्ति जिसको हम मेरा समझते हैं, ये मेरे हैं, वो कहाँ तक आते हैं, शमशान घाट, उसको अदालत कहते हैं, वहाँ तक आकर के हमें अंतिम विदाई देते हैं। कितनी भी मेहनत से हमने धन संपत्ति कमाई है लेकिन एक पैसा भी कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता, कोई मिलियनेयर भी क्यों ना हो, जो सिकंदर महान ने कहा कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व विजेता कहलाता हूँ लेकिन जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली हैं, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा। फिर तीसरा दोस्त कौन सा है, तीसरा दोस्त है हमारे कर्म, जिस पर हमारा ध्यान नहीं के बराबर होता है लेकिन भगवान के दरबार में हमारे कर्म ही हमारी गवाही देते हैं। तो एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है और वो सारा समय अपने दैहिक प्रवृत्ति में या अपनी सांसारिक प्रवृत्ति में, संबंधों को निभाने में, धन कमाने में या वो निर्वाह करने में ही नहीं लगाता लेकिन कुछ समय अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी अवश्य देते हैं ताकि हमारे कर्म श्रेष्ठ हों और वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमारी प्रालब्ध है जो वर्तमान में भी हमारे जीवन को सुखमय बनाती है और आने वाले जन्म जन्मांतर तक वो हमारी अविनाशी कमाई है जो आत्मा के साथ जाने वाली है। तो इस समझ से ये समेटने की शक्ति जो हमारा दुनिया में हम इतना विस्तार कर लेते हैं उसे हम समेट पाते हैं, यानी उसकी एक सीमा हम निश्चित कर लेते हैं कि इससे अधिक नहीं, कुछ समय हमें अपने लिए भी अवश्य निकालना, नहीं तो हम किसी को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने के लिए तो कहेंगे हम इतना व्यस्त हैं हमारे पास
समय ही नहीं है, अपनी ही प्रवृत्तियों में हम इतना व्यस्त हैं। तो इस तरह से इन शक्तियों के द्वारा अपनी कमजोरियों पर, विकारों पर हमारी विजय होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को हम जीतते हैं और स्व परिवर्तन कर पाते हैं। उससे हम स्वयं भी सुख शांति अनुभव करते हैं और परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी भी बन जाते हैं। तो आज आपके सम्मेलन का ये अंतिम सत्र है, मैं समझती हूँ उसके बाद और कोई सत्र नहीं है। तो ये समाप्ति नहीं है लेकिन एक नई शुरुआत है। तो आप यात्रा भी करेंगे तो आपकी जीवन यात्रा के लिए और उस यात्रा के लिए भी, दोनों के लिए भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। अभी कुछ मिनट हम राज्यों का अभ्यास करेंगे जिससे आप प्रातःकालीन सत्रों में करते रहे हैं। अपने मन को आसपास के व्यक्तियों से, आवाज़ों से न्यारा कर लें। अपना ध्यान मस्तक के मध्य में स्थित करें। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। एक चमकते हुए सितारे के समान मैं प्रकाश पुंज हूँ, अचर, अमर, अविनाशी हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए मैंने कर्मेंद्रियों का, इस शरीर का आधार लिया है। मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है। जहाँ सर्वत्र सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश है। मैं अंतर चक्षु से स्वयं को परम धाम में महसूस कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा शिव मेरे ही समान ज्योति स्वरूप है, लेकिन गुणों में
सागर के समान है। वो शांति के सागर है। उनकी शांति मेरे मन को शांत कर रही है। वो सर्वशक्तिवान है। शिव बाबा से ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है। जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मैं समर्थ हूं। मैं जो परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहती हूँ ला सकती हूँ। कोई भी कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। शिव बाबा के साथ की ये पल मुझ आत्मा के लिए बहुत अनमोल है। मैं परम शांति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को भाग्यवान महसूस करती हूँ। मुझे ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं जीवन में श्रेष्ठ कर्म करूंगी और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। शिव बाबा से शांति और शक्ति लेकर मैं पुनः इस साकार जगत में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से अधिक शांत अधिक शक्तिशाली है।